नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कड़ाके की सर्दी के चलते पटना के स्कूलों का बदला समय। बिहार में शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण का जारी हुआ स्केड्यूल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार के अस्पतालों को किया जा रहा है तैयार। आज वाल्मीकि नगर में होगी कैबिनेट की बैठक। टीम इंडिया के कोच बनना चाहते थे ये भारतीय दिग्गज। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शिल्पा सिंह की। शिल्पा सिंह का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में 21 दिसंबर 1988 को हुआ था। शिल्पा सिंह एक भारतीय एक्ट्रेस, डांसर और बड़ी मॉडल है। वो IMC मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 में उपविजेता रही थी। उन्होंने लास वेगास में मिस यूनिवर्स 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 10 में से 9.6 के स्कोर के साथ साक्षात्कार प्रारंभिक प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहने के बाद सेमीफाइनलिस्ट में से एक बन गई। शिल्पा सिंह अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मे शिल्पा ने लास वेगास में आयोजित हुई प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2012 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भले ही वो खिताब को जीत नहीं पाई, लेकिन उनके हौसले काफी बुलंद रहे। पेशे से शिल्पा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम नीतीश ने दिया बयान। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद बिहार में भी ओमिक्रॉन को लेकर खतरा मंडराने लगा था। हालांकि राहत की बात यह है कि बिहार के जो भी सैंपल बाहर भेजे गए हैं उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे फिलहाल तो बिहार में राहत है, लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। इसको लेकर सीएम नीतीश ने बीते दिन लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन अपने देश में कोरोना की तीसरी लहर हो सकती है। अन्य देशों में तो कहीं चौथी लहर तो कहीं पांचवी लहर है। स्थिति में अलर्ट तो रहना है, पूरे तौर पर बिहार में अलर्टनेस है। हमारे यहां हर तरह की तैयारी भी है। मुंगेर के मीर कासिम द्वारा बनाई गई गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर किले में ही आपात स्थिति में निपटने के लिए मीर कासिम ने रहस्यमय सुरंग का निर्माण करवाया था। किले से निकलने वाले इस सुरंग का दूसरा छोर कहाँ है, ये आज तक किसी को पता नहीं लग सका है। हालांकि इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई है। कहा जाता है कि मुंगेर मुफस्सिल क्षेत्र स्थित पीर नाफा शाह के मजार के पास सुरंग का दूसरा छोर है। जनता दरबार के बाहर बैठे कारगिल के योद्धा। हर सोमवार की भांति बीते सोमवार को भी जनता दरबार का आयोजन सीएम नीतीश की तरफ से करवाया गया था, जिसमें सीएम नीतीश ने पास आए फरियादियों की फरियाद तो सुनी ही, साथ ही साथ कई ऐसे भी मामले सामने आए जिसने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी में से एक मामला रहा कारगिल के योद्धा का जनता दरबार के बाहर अनशन पर बैठना। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी नालंदा के भूतपूर्व सैनिक सत्येंद्र सिंह थे, जो कारगिल युद्ध में भी लड़ाई लड़ चुके हैं। वो अपने गाँव में हो रहे नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने पहुंचे थे। भूतपूर्व सैनिक ने कहा कि गांव में नल जल योजना की गड़बड़ी को लेकर सब जगह शिकायत कर चुके हैं। दबंग मेरे साथ मारपीट भी कर चुके हैं। पुलिस मेरे साथ मेरे बेटे को भी जेल भेज चुकी है। मैं तो बाहर आ गया, लेकिन बेटा अभी भी जेल में है। इसका तुरंत समाधान निकाला जाए। बिहार में शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण का जारी हुआ स्केड्यूल। बीते कई दिनों से शिक्षक नियोजन के स्केड्यूल का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। योजना के अनुसार बिहार में बीते दिन शिक्षक नियोजन का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण के लिए है। स्केड्यूल के तहत नगर निकाय में 17 से 19 जनवरी तक काउंसलिंग का काम किया जाना है। वहीं प्रखंड इकाई में 22 से 25 जनवरी तक, पंचायत इकाई में 28 जनवरी को काउंसलिंग का काम होना है, जिसकी पूरी लिस्ट शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। जीविका दीदियां सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा की बनेंगी ब्रांड एम्बेसडर। 22 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार बिहार के विभिन्न जिलों में समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार में अभी से ही तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि सबके बीच यात्रा को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जीविका दीदियों को बनाया गया है। ज्ञात हो बिहार में करीब जीविका दीदियों की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक है। अपने यात्रा के दौरान सीएम जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जीविका दीदियों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जिले में शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह समेत कई और महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगे। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन कामों में जीविका दीदियों के बड़े नेटवर्क का लाभ मिल सकता है। बिहार में कब तक सताएगी ठंड। बिहार में भले ही ठंड का आगमन देर से हुआ हो, लेकिन ठंड अपना असर तेजी से दिखा रहा है। यही कारण है कि अब लोग ठंड से कब तक परेशान रहने वाले हैं, इसको लेकर सवाल जवाब करने लगे हैं। और लोगों की इसी समस्या को देखते हुए मौसम विभाग ने ठंड के समय का आकलन कर पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि इस बार संभावना है कि मार्च के अंत तक ठंड अपना असर दिखाएगी और मजबूरन लोगों को गर्म कपड़ों का मार्च तक सहारा लेना पड़ेगा। पिछले 72 घंटों में राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है। हवा की रफ्तार भी लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ऐसे में जहां अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। पटना की सड़कों पर अब दिखेगी CNG बसें।
पटना की सड़कों पर अब दिखेगी मिनी सीएनजी बसें। राजधानी पटना की सड़कों पर जल्द ही मिनी सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। अब तक आपने पटना की सड़कों पर बड़े बड़े सीएनजी बसों को तो देखा होगा, लेकिन अब आप छोटे बसों को भी देखने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित निजी मिनी डीजल बसों की जगह अब सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों से बदलने के लिए आए 50 आवेदनों में से 43 का चयन कर लिया गया है, जो कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा कर लिया गया है। जिसके बाद इसको लेकर परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बीते दिन बताया है कि पटना शहरी क्षेत्र में डीजल की जगह सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण में कमी आएगी। इसका परिचालन नगर सेवा के निर्धारित रूटों पर किया जाएगा। की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार के अस्पतालों को किया जा रहा है तैयार। बिहार में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई है, क्योंकि दूसरी लहर में बिहार के अस्पतालों की उदासीनता सामने आई थी, लेकिन वही गलती इस बार भी बिहार का स्वास्थ्य महकमा नहीं दोहराना चाह रहा है। यही कारण है कि अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई है। इसको लेकर जहां सभी मेडिकल कॉलेजों में जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू तक तैयार किए गए हैं, वहीं आइसोलेशन सेंटर भी तैयार होने लगे हैं। पिछले साल तैयार किए गए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिर से आइसोलेशन सेंटर को चालू करा दिया गया है। वहीं पाटलिपुत्र अशोका होटल के आइसोलेशन सेंटर को भी अलर्ट पर रखा गया है। पीएमसीएच भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में जुट गया है और तीसरी लहर के लिए यहां फिलहाल 50 से ज्यादा बेड लगा दिए गए हैं, जिसमें 25 बेड आईसीयू के शामिल है। बिहार के वित्त विभाग ने महीने की 7 तारीख तक टीडीएस की राशि जमा करने का दिया आदेश। आयकर विभाग के निर्देश के बाद बिहार के वित्त विभाग ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए साफ कहा है कि अब सरकार के किसी भुगतान पर टीडीएस मद में की गई कटौती की रकम अगले महीने की 7 तारीख या उससे पहले केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी ही होगी। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो इस नियम का सख्ती से पालन कराए। आयकर विभाग ने यह निर्देश टीडीएस की राशि जमा करने में देरी की शिकायतों के बाद जारी किया है। इस बाबत वित्त विभाग ने सचिवालय के सभी विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और कोषागार के पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि वो आयकर के निर्देश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आयकर के पत्र में कहा गया है कि किसी महीने में की गई टीडीएस की कटौती की राशि अगले महीने की 7 तारीख या उससे पहले केंद्र सरकार के खाते में अनिवार्य रूप से जमा होनी चाहिए। जूनियर रेजिडेंट की नियुक्ति में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को मिलेगा मौका। स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में शैक्षिक और आधारभूत संरचनाओं की स्थिति पहले से और बेहतर करने को लेकर निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में जूनियर रेजिडेंट की नियुक्ति होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि जूनियर रेजिडेंट की नियुक्ति में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगों को भी मौका मिलेगा, जो कि आरक्षण रोस्टर के तहत की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति में स्थायी नियुक्ति में देरी स्थिति पैदा होने पर संविदा के आधार पर खाली पदों पर बहाली की जा रही है, जिसकी सारी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए संविदा के आधार पर 1062 जूनियर रेजिडेंट को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गाइडलाइन के तहत स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती और नातिन के लिए कुल पद का 2% पद आरक्षित किया गया है। नए साल पर बिहार आने वाले लोगों को लगा बड़ा झटका। अगर आप या फिर आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी बिहार आने की नए साल पर सोच रहे हैं तो उन्हें करारा झटका लगने वाला है, क्योंकि विमानन कंपनियों ने नए साल के मौके पर विमान का किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। साल के अंत में छुट्टियां बिताने के लिए बढ़ी बुकिंग से घरेलू उड़ानों का किराया 2.5 गुना बढ़ गया है। खासकर दिल्ली और मुंबई रूट पर 16 जनवरी तक विमान किराए में 2 गुनी और 1.5 गुनी बढ़ोतरी हो गई है। इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं कि इस समय विदेशी देश में आ रहे हैं। इसके अलावा सर्दियों में पहले की अपेक्षा विमानों की संख्या कम है। इसके अलावा किराए सर्च करने की डिमांड की वजह से भी विमान किरायों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार पर लगाए बड़े आरोप। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बीते दिन बैठक का आयोजन किया था। आयोजित बैठक में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के अपेक्षित रवैये से राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर दिनों दिन ग्रहण लगता जा रहा है। शिक्षकों के सामने विभिन्न समस्या उत्पन्न कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बैठक में मध्याह्न भोजन संचालन की नई प्रक्रिया को विद्यालय प्रभारी के लिए जटिल और सिरदर्द बताया है। इसके साथ ही प्रारंभिक माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालाध्यक्ष को अप्रैल 2021 से वेतन में 15% की बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही बैठक में यह भी कहा गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों से काम लेने के बावजूद साल भर से वेतन नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसके बाद ही शिक्षकों ने संघर्ष का ऐलान किया है। बिहार के थानों की लैंडलाइन ही खराब, कैसे होगा अपराध पर कंट्रोल।
बिहार में कहने को सरकार और पुलिस दोनों ही अपराध को कम करने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन अगर पुलिस और आम जनता के बीच संचार का माध्यम ही खराब हो तो कैसे पुलिस समय पर घटनास्थल पर पहुंचेगी। आलम कुछ यूं है कि बिहार के कई थानों में लगे लैंडलाइन फोन खराब पड़े हैं। हालांकि इस परेशानी को दूर करने की कवायद पुलिस मुख्यालय शुरू कर चुकी है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि जल्द ही समस्या को दूर कर दिया जाएगा। अब थानों में लैंडलाइन फोन की जरूरत को देखते हुए पुलिस मुख्यालय फिर से मुहिम चलाकर सभी थानों में लैंडलाइन फोन लगवा रही है। ज्यादातर थानों में लैंडलाइन फोन डेड होने का कारण टेलीफोन बिल समय पर नहीं भरना है, जिसकी वजह से कनेक्शन कट गया है और इसकी अनदेखी की गई है। आज वाल्मीकि नगर में होगी कैबिनेट की बैठक। आज टाइगर रिजर्व में बसे इस छोटे लेकिन खूबसूरत कस्बे में सरकार के सभी मंत्री मिलकर बिहार का भविष्य तय करने वाले हैं, क्योंकि आज का कैबिनेट बैठक यहीं आयोजित होने वाला है। आमतौर पर यही देखा गया है कि जब भी कैबिनेट की बैठक हुई है वो राजधानी पटना में हुई है, लेकिन आज की बैठक का जगह भी अलग है और कई मुद्दों पर मुहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साल की आखिरी बैठक को लेकर वाल्मीकि नगर में प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता तैयारी की गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसपी ने गश्त बढ़ा दी है। वनांचल में पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जवान गश्त लगा रहे हैं, क्योंकि यह पहला मौका है जब कैबिनेट की बैठक आयोजन वाल्मीकि नगर में किया जा रहा है। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी से ही इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आज सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, राजस्व, भूमि सुधार, वन एवं पर्यावरण समेत अन्य सभी विभागों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मांझी के बयानों से खुद ही हैरान है सीएम नीतीश। जीतनराम मांझी कहने को एनडीए के साथ है, लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे एक बात तय है कि सरकार के खिलाफ बयानबाजी को हवा देने का काम जरूर हो रहा है। उनके अतरंगी बयानों को लेकर जदयू पार्टी के नेता तो हैरान ही है, अब सीएम नीतीश ने भी उनकी बयानबाजियों की झड़ी पर हैरानी जताई है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम बता देना चाहते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में सभी ने शराब न पीने की सर्वसम्मति से शपथ ली थी। अभी हम लोगों ने 26 नवंबर को एक कार्यक्रम किया, पूरे बिहार में सभी सरकारी अधिकारी ने शपथ ली, एनडीए की मीटिंग में भी हम लोगों ने हाथ उठाकर दोबारा शपथ ली थी। उसके बाद भी कोई कुछ टिप्पणी करते हैं तो यह विचित्र बात है। हम कहेंगे कि सभी को जागरूक कीजिए, इस बार भी हम बिहार में यात्रा पर जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि शराब पीना काफी हानिकारक है। अगर तेजस्वी ने इस बार यात्रा पूरी नहीं की तो बिहार की चौखट दी नाप ले। सीएम नीतीश कुमार बुधवार यानी कि 22 दिसंबर से बिहार के जिलों में समाज सुधार अभियान पर निकलने वाले हैं। इसी के एवज में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बेरोजगारी यात्रा का आह्वान करने की बात कही है। इस दौरान वो प्रदेश का दौरा करेंगे और सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हालांकि इस यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष ने उन पर अब तंज कसा है, जिसके तहत जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव इससे पहले 3 बार यात्रा पर निकले थे, लेकिन एक बार भी उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई, उन्होंने यात्रा को अधूरा छोड़ दिया। इस बार कम से कम वो बिहार की को समझ ले। भारत के पूर्व राजदूत गौरीशंकर राजहंस ने दुनिया को कहा अलविदा। भारत के पूर्व राजदूत और भागलपुर के डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस का सोमवार की सुबह निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली की एम्स में अंतिम सांस ली। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मुरारका महाविद्यालय के व्याख्याता से अपने करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर राजहंस पत्रकारिता के रास्ते चलते हुए एक प्रसिद्ध प्रिंट मीडिया के प्रबंध निदेशक पद के होते हुए बिहार के झंझारपुर से कांग्रेस के सांसद भी रहे। इसके बाद उन्होंने लाओस और कंबोडिया में भारत के राजदूत के पद पर देश का कुशल प्रतिनिधित्व भी किया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के वो मित्र भी थे, वहीं रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें बुलाया था। वहीं उनके गुजर जाने पर कई गणमान्य लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की है। कड़ाके की सर्दी के चलते पटना के स्कूलों का बदला समय। कड़ाके की सर्दी के चलते पटना के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस आशय में यह आदेश जारी किया है कि जिले के सभी विद्यालयों का समय सुबह 9 बजे से शाम 3:30 बजे तक कर दिया गया है। इस समय से पहले और बाद के सभी कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 21 दिसंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्षों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली हरियाणा समेत पूरा उत्तर पश्चिमी भारत शीतलहर की चपेट में है। रविवार को मैदानी इलाकों में राजस्थान के चुरू में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया था। 2022 में कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्टी। देश में नया श्रम कानून अप्रैल 2022 यानी नए वित्त वर्ष से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने वित्त मंत्रालय से जुड़े सीनियर अधिकारी के हवाले से इस बात की पहल की है। इससे उम्मीद यही की जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियों और काम के घंटे में बदलाव हो सकता है। इसके मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा इसमें काम के 6-8
की बजाय 12 घंटे हो जाएंगे। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। पहले यह श्रम कानून 2021 में लागू होना था लेकिन हो नहीं पाया, जिसको अब लागू करने की योजना बनाई गई है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आंदोलन भी कर सकती है जदयू। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सियासत गर्म है। हालांकि इस गर्माहट का असर आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जदयू कितनी ज्यादा गंभीर है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जदयू ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तक पर जाने की बात कह दी है, जिसके तहत जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को अति पिछड़ा दिखाया है, अब कहीं कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में लगातार हो रहे विकास कार्य के बावजूद बिहार पिछड़ा है और यह सही है, इसलिए बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में है, ऐसे में आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। टीम इंडिया के कोच बनना चाहते थे ये भारतीय दिग्गज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने मुख्य कोच के रूप में एक दूसरे भारतीय दिग्गज का नाम आने की बात कही है, जिसके तहत सौरभ गांगुली ने बताया कि वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच बनने के इच्छुक थे। उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 में T20 विश्व कप के साथ ही रवि शास्त्री के कार्यकाल का अंत होना था। वो 2017 से लगातार टीम इंडिया के मुख्य कोच थे। शास्त्री की जगह लेने के लिए भारतीय बोर्ड कुछ दिग्गजों से बात भी कर रहा था, जिसमें द्रविड़ का नाम सबसे ऊपर था। हालांकि द्रविड़ इसके लिए शुरुआत में तैयार नहीं थे, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष गांगुली और सचिव जय शाह की पहली पसंद वही थे और आखिर में उन दोनों ने किसी तरह द्रविड़ को इस काम के लिए राजी कर दिया। अगर द्रविड़ तैयार नहीं होते तो लक्ष्मण इस भूमिका में दिख सकते थे, क्योंकि वो इसके लिए काफी उत्सुक थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत INS सतवाहन को 1974 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेड़े में शामिल किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को 2008 में अमेरिका पत्रिका न्यूज वीक ने दुनिया के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया। गंगनम स्टाइल 2012 में यूट्यूब पर 1 अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो बना। बादशाह अकबर के प्रमुख राजदूत सरदार मानसिंह का जन्म 1550 में आज ही के दिन हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और छत्तीसगढ़ राज्य में जन जागरणकर्ता सुंदरलाल शर्मा का जन्म 1881 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की आजादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक सोहन सिंह भकाना का 1968 में निधन आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का निधन 2007 में आज ही के दिन हुआ था। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,800 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर था। एंड्रॉइड फोन पर हमेशा के लिए ऐसे ब्लॉक करें विज्ञापन। फेवरेट मूवी का लुफ्त उठा रहे हो या इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, ऐसे में फालतू विज्ञापन आ जाए तो मजा किरकिरा हो जाता है। हम में से अधिकतर लोग इस समस्या से जरूर जूझ रहे होते हैं, खासतौर से तब जब आप गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर का उपयोग करते समय अपने फोन पर विज्ञापन देखते हैं। हालांकि ऐड ब्लॉक करने की प्रोसेस पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो गई है। अच्छी खबर यह है कि आप सभी ब्राउजर ट्रिक्स और यहां तक कि ऐसे विज्ञापन को भी ब्लॉक कर सकते हैं जो प्राइवेट DNS नाम के एक साधारण फीचर वाले ऐप्स के साथ आते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमित कुमार मिश्रा, मनीष मोहरा, रहीश यादव ऑफिशियल, गौतम कुमार, मनीष मोहरा, बबीता यादव, रविशंकर, गौतम कुमार, युवराज शर्मा, राजीव कुमार, सुमित कुमार, ओम प्रकाश भारती, शाहजहां खातून, रवि कुमार, विक्रम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार को प्रदूषण रहित बनाने के लिए बिहार सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए। अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।